का मेथड भी हो सकता है, ठीक है। तो उस डायरेक्ट मैटर को अगर थोड़ा सा सोचा जाए कि वो डायरेक्ट मैटर कैसे आया, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या चीज है, सपोज करो बच्चों हमारे सामने ऐसा दिया हो, देखना यहाँ पे हमारे पास एक इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ऐसे एक इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, इसमें सबसे पहली जो खास बात है वो ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चीज कांस्टेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। अब इसमें हमने एक लूप फॉर्म किया, देखो एक रैंडम सा लूप फॉर्म करके मैं बताता हूँ आपको। देखो सपोज करो ऐसा है कि एक वायर तो ऐसे है, ठीक है, नेक्स्ट जो वायर है वो कुछ ऐसे है, थर्ड वायर कुछ ऐसे है और फोर्थ वायर कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसे हमने चार वायर्स को कनेक्ट करके, फोर वायर्स को कनेक्ट करके एक लूप टाइप की स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है। चार वायर्स को कनेक्ट करके एक लूप टाइप की एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे फॉर्म की है, ठीक है। सॉरी, और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, देखो बच्चों ये आई ऐसे फ्लो हो रहा है। अच्छा, ये जो पहली वायर है, ठीक है, जो आपको फर्स्ट वायर दिख रही है, इस फर्स्ट वायर की लेंथ है बच्चों L1, ठीक है। सेकेंड वाली वायर है इसकी लेंथ है L2, थर्ड वाली जो वायर है इसकी लेंथ है L3 और फोर्थ जो वायर है इसकी लेंथ है L4। क्या सभी को समझ में आ रही है बात? और हमसे पूछा है इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना होगा, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स मैग्नेटिक, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो मुझे बताओ क्या सबसे पहले मुझे वायर वन पे फोर्स लिख लेना चाहिए, यस और नो? क्या सबसे पहले मुझे वायर वन पे फोर्स लिख लेना चाहिए? तो सबसे पहले मैंने वायर वन पे फोर्स लिखा, देखो बच्चों फोर्स ऑन वायर वन, फोर्स वेक्टर लिखा, ध्यान से सुनना, फोर्स वेक्टर लिखा, फोर्स भी नहीं फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर लिख रहा हूं मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पे। फोर्स वेक्टर लिख रहा हूं तो मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे तो पहली वाली जो वायर है और L1 सॉरी ये मैग्नेटिक फोर्स रहा होगा ऑन वायर वन, यस और नो? वेक्टर फॉर्मेट में तो ऐसे लिखोगे ना भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? 1 मिनट रुक जाओ, वीडियो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ तो मुझे बताओ यहाँ पे वायर वन पे जो फोर्स होगा, वायर वन पे जो फोर्स होगा क्या उसे आई L1 क्रॉस बी वेक्टर लिखा जाएगा बच्चों? L1 क्रॉस बी वेक्टर, हाँ। अब इसमें डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया और वेक्टर फॉर्मेट में हमने इस फोर्स को लिख भी दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ओके, अभी पहले से क्लियर हुआ कुछ?
तो देखो बच्चों, वायर टू पे जो फोर्स होगा वो लिखा जाएगा आई एल टू क्रॉस बी, ठीक है। ऐसे ही वायर थ्री पे अगर फोर्स देखा जाए, वायर थ्री पे अगर हम लोग फोर्स देखेंगे तो बनेगा बच्चों आई एल थ्री क्रॉस बी, यस और नो। अब वायर फोर पे अगर फोर्स देखा जाएगा, फोर्स वेक्टर, तो ये बनेगा आई एल फोर क्रॉस बी, यस और नो, कुछ ऐसा ही बनने वाला है, हाँ या ना। चारों वायर्स पे हमने फोर्स वेक्टर लिख लिया। अच्छा, अब जो नेट फोर्स वेक्टर होगा, क्या इन चारों फोर्स का वेक्टर समेशन होगा? इन चारों फोर्स का क्या वेक्टर समेशन होगा? नेट फोर्स। तो जो नेट फोर्स लिखा जाएगा बच्चों, नेट फोर्स, देखो नेट फोर्स को मैंने लिखा नेट फोर्स वेक्टर, नेट फोर्स वेक्टर, क्या मैं इसे एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर, एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर प्लस एफ थ्री वेक्टर एंड प्लस एफ फोर वेक्टर, इसी तरीके से लिखूंगा वेक्टर समेशन ऑफ फोर्स। नेट फोर्स ऐसे लिखा जाएगा ना, वेक्टर समेशन ऑफ, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको लिखता हूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, इसको ध्यान से सुनना। मेरे पास कुछ इक्वेशन बनेगी, देखो आई एल वन क्रॉस बी प्लस आई एल टू क्रॉस बी प्लस एंड सो ऑन, क्या ऐसे बनेगी आई एल थ्री क्रॉस बी प्लस आई एल फोर क्रॉस बी, यस और नो, हाँ या ना। अब अगर मैं गौर से देखूं, गौर से देखूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं गौर से देखूं तो इन पूरी इक्वेशन में क्या आई और बी वेक्टर कॉमन आ सकते हैं, हाँ या ना? क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, देखो आई इज इक्वल टू, सॉरी आई इन टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस एल फोर क्रॉस बी वेक्टर, यस और नो, देख लो, देख लो, ये क्रॉस करोगे तो एल वन क्रॉस बी हो जाएगा, एल टू क्रॉस बी हो जाएगा, एल थ्री क्रॉस बी हो जाएगा और एल फोर क्रॉस बी हो जाएगा, हाँ या ना। गौर से अगर देखा जाए L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर प्लस L4 वेक्टर, ध्यान से देखना हमारे पास स्ट्रक्चर था बच्चों कुछ ऐसा, देखो L1 वेक्टर क्या कुछ ऐसे रहा होगा, देखो इसका हेड तो यहां रहा होगा, टेल ऊपर, करंट की डायरेक्शन में होता है ना बच्चों L वेक्टर, करंट की डायरेक्शन में L वेक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं। अच्छा, L1 वेक्टर ऐसा था और L2 वेक्टर कुछ ऐसा होगा, यस और नो, L3 वेक्टर कुछ ऐसा होगा, देखो, और L4 वेक्टर कुछ ऐसा है। अब मुझे तो जो हमने वेक्टर में एडिशन लॉ पढ़ा था, तो देखो पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल, दूसरे का हेड तीसरे की टेल, तीसरे का हेड चौथे की टेल, क्या ये ऐसे कनेक्टेड है? तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या वो इनिशियल के टेल से, क्या इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड को ज्वाइन करने वाला होगा एल नेट वेक्टर, यस और नो? इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड को ज्वाइन करने वाला एल नेट वेक्टर उसका। तो गौर से देखो, क्या हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू, ध्यान से देखना, क्या हमारे पास नेट फोर्स वेक्टर की वैल्यू आई एल नेट वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे लिखी जा सकती है? तो हर वायर पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल फोर्स निकाल के उनका वेक्टर समेशन लेने से अच्छा, क्या एल नेट वेक्टर निकाल के सीधे हम लोग नेट मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं? देखो, नेट मैग्नेटिक फोर्स लिखने का एक तो तरीका है, हर वायर पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल फोर्स फाइंड करो और उनका वेक्टर समेशन करो। उससे अच्छा क्या है, आप एल नेट वेक्टर निकाल लो। एल नेट वेक्टर कहां से कहां होता है? इनिशियल के है टेल से फाइनल के हेड की तरफ, यस और नो? हाँ या ना? अच्छा, और ये एल नेट वेक्टर आप कब लिख पाओगे? मुझे तो क्या यहां से बी वेक्टर कॉमन आ पा रहा था, हाँ या ना?
क्या यहाँ से बी वेक्टर कॉमन आ पा रहा था? और ये बी वेक्टर कॉमन क्यों आ पा रहा है? क्योंकि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, बिकॉज एवरीवेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट. अगर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कॉन्स्टेंट नहीं होती तो क्या तुम ये बी वेक्टर को बाहर निकाल पाते क्या, कॉमन ले पाते क्या? नहीं ले पाते. समझ में आ रही? तो कंडीशन क्या है, ऐसा कब लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना ठीक है. देखो एक कंडीशन मैं बता देता हूँ, देखो नोट स्टार मार्क करके लिख लेना ये कब वैलिड है. देखो बच्चों, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी कैन राइट डाउन, वी कैन राइट डाउन द नेट फोर्स, द नेट मैग्नेटिक फोर्स I, we can write down the net magnetic force I L net cross B vector. We can write down the net magnetic force I L net vector cross B vector where L net vector is the displacement vector where L net vector is the displacement vector joining the initial point and final point, joining the initial point and final point. And the direction of L net from initial to final point. क्या ये बात सबको समझ में आई? डायरेक्शन ऑफ एल नेट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल. अच्छा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कैसे जज करेंगे? करंट से. करंट कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, ठीक है? जहां से स्टार्ट हो रही है करंट वो इनिशियल पॉइंट होगा, और जहां खत्म हो रही है वहां पे फाइनल पॉइंट होगा. क्लियर हुई ये बात? यस और नो? वेरी गुड. और ऐसा केवल और केवल कब लिख सकते हैं? जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ही ऐसा कर सकते हैं. क्लियर हुई सबको बात? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ही ऐसा कर सकते हैं. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो एक क्वेश्चन कराया जाए आपको, एक क्वेश्चन कराया जाए सबको. देखो, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करो. देखो ऐसा दिया गया, एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये कांस्टेंट है, ठीक है. यहां पे एक वायर बनाई गई है, देखो रैंडम, ऐसा. ये जो पॉइंट है वायर का, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, ठीक है, और ये जो पॉइंट है वायर का, इसके कोऑर्डिनेट है 5, 7, ठीक है. एक कोऑर्डिनेट है 2, 3 और दूसरे कोऑर्डिनेट है 5, 7, और इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे 2, 3 से 5, 7 की तरफ आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है. तुमसे पूछा गया फाइंड आउट द फोर्स ऑन
दी वायर, फोर्स ऑन दी वायर, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी वायर फाइंड करो। चलो मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी वायर फाइंड करो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी वायर, अच्छा क्या हम वायर के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जॉइन करके सीधे एल वेक्टर, एल नेट वेक्टर निकाल सकते हैं? तो सबसे होना चाहिए, अब ये एल नेट वेक्टर की लेंथ निकालो कितनी है, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या आंसर आना चाहिए। कितने बच्चों का आंसर आ गया? 5IB, 5IB ये आंसर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 5IB। और डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर आएगी? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर आएगी? डायरेक्शन किधर आएगी? नॉर्थ वेस्ट, वेरी गुड, डायरेक्शन आएगी नॉर्थ वेस्ट। देखो क्या हमें एल नेट वेक्टर, इसे अज्यूम करना पड़ेगा इन दोनों को इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट 2.3 है, फाइनल पॉइंट 5.7 है। तो देखो ऐसे हमने क्या बना लिया बच्चों, यहाँ पे एल नेट वेक्टर बना लिया। क्या इस एल नेट वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे रहने वाली है? यस और नो? और इसकी लेंथ है 5, इसकी लेंथ कितनी है? 5, समझ गए? ये एल नेट वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो नेट मैग्नेटिक फोर्स लिखा जाएगा, ठीक है, आई एल नेट वेक्टर क्रॉस बी। तो गौर से देखो क्या आई एल नेट वेक्टर का जो, देखो यहां से एल नेट वेक्टर क्रॉस बी करोगे तो क्या डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट दिखाई दे रही है सबको? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यस और नो? तो डायरेक्शन तो मैंने इधर लिख दी, क्या यहाँ पे मैग्नेट्यूड लिख दूं? तो L का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? L का मैग्नीट्यूड है 5 और B का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? B। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5IB। अच्छा L और B के बीच में एंगल कितना है? 90। तो वो साइन 90 की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। तो एफ एम वेक्टर है 5IB इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्या सबको समझ में आ गई बात? वो साइन 90 की वैल्यू 1 हो चुकी है, क्या एफ वो क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सोचो ऐसा होता, यहाँ पे इनटू दी प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, इनटू दी प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड दी गई है कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक हमने लूप बना दिया, क्लोज लूप बना दिया, लूप भी क्या, क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप बना दिया ऐसा, ठीक। और इस क्लोज लूप में करंट फ्लो हो रही है ऐसे आई, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एक करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। और ये जो है ये एक स्क्वायर लूप है, ऐसा बोला गया स्क्वायर लूप, और साइड है इसकी ए, साइड कितनी है इसकी ए। तो तुम्हें बताना है इस लूप पे नेट फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस लूप, नेट मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस लूप, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस लूप कितना होगा ये बताना। अच्छा मुझे बताओ क्या यहाँ पे आपको ये जो लूप है क्या ये एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है?
अब इसमें अगर किसी भी एक पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मान ले तो क्या फाइनल पॉइंट भी वही इनिशियल पॉइंट कहलाएगा? जो जहां से चालू हो रहा होगा लूप वही खत्म हो जा रहा है, जहां से लूप स्टार्ट हो रहा है वही खत्म है। तो क्या यहाँ पे एल नेट वेक्टर की वैल्यू जीरो हो जाएगी? अगर किसी भी एक पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कंसिडर कर लोगे तो वही पॉइंट क्या फाइनल पॉइंट भी कंसिडर किया जाए तो एल नेट वेक्टर की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी? एल नेट वेक्टर जीरो हो जाएगा तो अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। चलो ये तो हो गया ट्रिक, ये तो हो गया ट्रिक से सोचा। अगर कंसेप्ट से सोचते तो कैसे सोचते? अगर कंसेप्ट से सोचना होता तो क्या हमें हर वायर पे फोर्स लिख लेना चाहिए बच्चों? अगर हमें कंसेप्ट से सोचना है तो क्या हमें हर वायर पे फोर्स लिख लेना चाहिए? यस और नो? तो हमने देखा चलो सर हर वायर पे फोर्स देखते हैं। अगर आप हर वायर पे फोर्स देखने की कोशिश करोगे तो ये वायर जो है जो लेफ्ट साइड में दी है, क्या इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन होगी आई ए बी? यस और नो? देख लो मैग्नेटिक फोर्स इस वायर आई ए बी इन लेफ्ट डायरेक्शन, हाँ या ना? अच्छा ये जो ऊपर वायर दी गई है इस वायर पे जो फोर्स लगेगा क्या ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा आई ए बी? देखो डायरेक्शन के साथ लगाओ, डायरेक्शन के साथ लगाओ, फोर्स अपने आप समझ में आ जाएगा। हर वायर पे फोर्स लिख रहे हैं, अब देखते हैं कि कितना आता है, नेट कितना आता है वो देख लेंगे। अच्छा ये जो राइट साइड वाली वायर है इस पे जो फोर्स आ रहा है क्या वो राइट डायरेक्शन में आई ए बी आ रहा है? बच्चों L और B तो परपेंडिकुलर है तो जो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आएगा वो तो वन हो जाएगा। अच्छा और ये जो बॉटम वाली वायर है इस पे जो फोर्स है क्या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई ए बी आने वाला है? किसी को अगर राइट हैंड थंब रूल लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने पेज को रोटेट करके भी लगा सकते हो, अपने हाथ को रोटेट करने की कोशिश मत करना, ब्रेक हो जाएगा, फालतू में क्या दिक्कत है? ठीक है, आप पेज को रोटेट करके इजीली जिस तरीके से आपको सिंपल पड़े राइट हैंड थंब रूल लगाना लगा सकते हो एल क्रॉस बी। ठीक है, पेज रोटेट हो सकता है, अपना हाथ तो पूरा रोटेट होगा नहीं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आप बताओ क्या सबको नेट फोर्स जीरो होता हुआ दिखाई देगा? जितना फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है लूप पे उतना ही फोर्स राइट डायरेक्शन में है लूप पे, जितना फोर्स अपवर्ड है उतना ही डाउनवर्ड। तो यहां पे हमारे पास आंसर आया नेट फोर्स ऑन द लूप, नेट फोर्स ऑन लूप क्या ये जीरो आ गया बच्चों? जीरो न्यूटन हो गया। ठीक है, अच्छा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान सुनना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इफ अ करंट कैरिंग क्लोज लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड then the net force on the closed loop is zero, yes or no? If the current carrying loop is placed in a uniform magnetic field then the net force on the loop is zero. acha net force on the loop zero hai, kya loop ke har part pe force zero hai kya? इंडिविजुअल पार्ट से फोर्स जीरो? इंडिविजुअल पार्ट से फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स ऑन द लूप जीरो है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो स्टेटमेंट लिख लो ये, और स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। क्या स्टेटमेंट है? इफ अ करंट कैरिंग क्लोज लूप placed in a uniform magnetic field then the net force on the closed loop will be zero. क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो?
the net force on the closed loop will be zero. Very good. बहुत अच्छे. अच्छा चलो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ये तो समझ में आ गया सर, क्लोज लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो उस क्लोज लूप पे जो नेट फोर्स होगा वो 100% जीरो होगा. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्वेश्चन है ना मैं तो नहीं कराने वाला, तुम लोग खुद से सोचो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे एक सर्कुलर लूप बनाया गया, एक सर्कुलर लूप बनाया गया. क्या बनाया गया बच्चों? एक सर्कुलर लूप, ठीक है. हाँ अब मुझे बताओ मैं इस लूप के अंदर किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हूं. अच्छा मैं अगर इसमें करंट फ्लो कराता हूं तो क्या इस लूप पे नेट फोर्स जीरो होगा? ये तो पहले क्लियर करो. नेट फोर्स जीरो होगा. अच्छा मैंने बोला ठीक है. अच्छा अब मैं क्या पूछ रहा हूं, मेरी बात को जवाब देना. मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि मैं इस लूप में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराऊं ताकि ये लूप एलोंगेट होने का ट्राई करे, एलोंगेट होने का ट्राई करे. इस लूप में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया जाए ताकि ये एलोंगेट होने का ट्राई करे. कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो करानी चाहिए? अच्छा एलोंगेट कब होगा? क्या तुम तो इतना सा सोचो, यहां पे एक एलिमेंट सोच लो तुम तो छोटा सा. इस एलिमेंट पे फोर्स अगर आउटवर्ड लगता है तो क्या ये लूप एलोंगेट हो? ऐसे हर हर एलिमेंट पे फोर्स अगर आउटवर्ड लगता है तो क्या ये एलोंगेट होने का ट्राई करेगा? तो इस एलिमेंट पे फोर्स अब आउटवर्ड कब लगेगा? जब इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही हो? क्लॉकवाइज, यस और नो? एल वेक्टर की डायरेक्शन राइट साइड देख लोगे, थंब राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा फोर्स वेक्टर. तो मैंने क्या किया, अच्छा ये एलोंगेट होने का ट्राई. अच्छा अगर मैं बोलता कंप्रेस करना चाह रहा हूं इसे, मैं कंप्रेस करवाने के लिए क्या एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करानी चाहिए थी? समझ गए ना, अंदर की तरफ फोर्स आएगा तो अपने आप कंप्रेस होने की ट्राई करेगा. तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे बता नहीं रहा, नीट वाले बच्चे सुन लो ध्यान से. ये जितने बच्चे नीट ये क्वेश्चन पूछ लेते तुमसे कि भाई इसमें अलोंगेशन चाहिए तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, या करंट की डायरेक्शन देके पूछ लेगा कि भाई अलोंगेट होगा या कंप्रेस होगा, ठीक है, बता दोगे ना नीट वाले बच्चों है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं तुमसे. तो मैंने बोला ठीक है सर, आप तो अपने क्वेश्चन की बात करो. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हम इस वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अच्छा मुझे तो अगर इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो पहली बात क्या इस लूप पे नेट फोर्स जीरो है? बट क्या यहां पे इस स्ट्रिंग में ये जो रिंग बनाई है मैंने, क्या इस रिंग में टेंशन क्रिएट हुई होगी? हाँ या ना? क्या इस रिंग के अंदर एक टेंशन क्रिएट हुई होगी? तो तुमसे यही पूछा गया, फाइंड आउट द टेंशन इन द रिंग, टेंशन इन द रिंग. अच्छा ऐसे तीन क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं अभी तक टेंशन इन द रिंग के. एक सर्कुलर मोशन में कराया था, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं तब, ठीक है. एक बार मैंने जब स्ट्रिंग वेव चल रही थी
तो स्ट्रिंग वेव में भी टेंशन निकाल के स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करवाया था, वहां पे भी एक टेंशन कैलकुलेट की गई थी। और ये तीसरा क्वेश्चन है टेंशन इन द जूम, याद है तुम्हें? ऐसा पढ़ा था कभी जिंदगी में अपन ने। और मैंने बताया रिंग में टेंशन निकालने का एक ही कंसेप्ट है जो बार बार यूज में आता रहेगा तुम्हारा। जब पहली बार पढ़ाया था तभी बता दिया था तीन जगह यूज में आएगी ये रिंग की टेंशन। चलो टेंशन इन द रिंग कैलकुलेट करो। हुआ किसी से? अच्छा रेडियस ऑफ द रिंग की यूज पड़े तो वो आर है, रेडियस की अगर यूज पड़ता है तो वो आर है रेडियस, ठीक है रिंग का। द रेडियस ऑफ द रिंग इज आर। नहीं मार्च बेटा गलत है। बहुत अच्छे ऋषभ और महर्षि दोनों के आंसर आ गए सही है। वंशिका बेटा सही है। महर्ष सही है। चलो सभी लोग कैलकुलेट करो, ये फंडा समझा रखा है मैंने कैसे कैलकुलेट करते हैं। टेंशन इन द रिंग को कैलकुलेट करने का फंडा क्या है? अच्छा टेंशन इन द रिंग को कैलकुलेट करने का सबसे बेसिक फंडा है, देख लो सबसे बेसिक फंडा है यहाँ पे कि जो एलिमेंट हम एक सबसे पहले तो रिंग पे एक एलिमेंट कंसिडर कर लो। सबसे पहले तो रिंग पे एक एलिमेंट कंसिडर कर लो। कर लिया बच्चों ये एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया हमने अब, ठीक है? इस रिंग पे सबसे पहले एक एलिमेंट कंसिडर करो। तो ये एलिमेंट कंसिडर कर लिया, अब इस एलिमेंट को तुम जूम करो, ठीक है? इस एलिमेंट को तुम जूम करो। एलिमेंट तो बहुत छोटा सा होता है ना बच्चों, क्या एलिमेंट अपने आप में बहुत स्मॉल होता है। इस एलिमेंट को तुम्हें जूम करना, तो जूम करने के बाद तुम्हें क्या दिखाई देगा देखो। क्या जूम करने के बाद ये हमें एलिमेंट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा देखो, यस और नो सभी बच्चे रिप्लाई दे, क्या कुछ इस तरीके का एलिमेंट दिखाई देगा ये? हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा अब ये एलिमेंट अगर बहुत छोटा था तो यहां कहीं सेंटर है, देखो यहां कहीं ऐसे सेंटर। अच्छा तो इस एलिमेंट ने सेंटर पे जो एंगल फॉर्म किया होगा क्या वो एंगल अपने आप में बहुत स्मॉल एंगल होने वाला है? क्या वो एंगल अपने आप में बहुत स्मॉल एंगल होने वाला है? यस और नो। तो मैंने क्या किया, इस एंगल को ऐसे मान लिया, देखो ध्यान से सुनना, इधर एंगल मान लिया डी थीटा और इधर एक एंगल मान लिया डी थीटा। तो क्या मैंने टोटल सेंटर पे जो एंगल माना है क्या वो टोटल एंगल 2 डी थीटा माना है? इस एलिमेंट की वैसे टोटल एंगल सेंटर पे क्या मैंने 2 डी थीटा माना है? हाँ या ना? अच्छा आप उसे डी थीटा भी मान सकते थे, तुम्हारी मर्जी तुम कितना भी मानो पर स्मॉल मानना है। तुम सेंटर पे डी थीटा मानते तो क्या ये जो एंगल है डी थीटा बाई टू और डी थीटा बाई टू कंसिडर करते तुम लोग, यस और नो? हाँ तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम सेंटर पे एंगल डी थीटा मान रहे हो या 2 डी थीटा मान रहे हो, ठीक है?
तो मैंने तो सेंटर पे एंगल माना 2d थीटा, ताकि ये जब एंगल में डिवाइड करूं तो ये d थीटा ही फॉर्मेट में आ जाए। अब मुझे बताओ ये जो रिंग का एंड है, क्या यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक टेंशन लग रही होगी ऐसे, यस और नो? इस एलिमेंट का जो एक एंड पॉइंट है, क्या वहां पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक टेंशन लग रही होगी, हाँ या ना? और ऐसे ही ये जो दूसरा एंड है, इस पे भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक टेंशन ऐसे लग रही होगी टी। और एक पूरी रिंग में टेंशन कभी चेंज नहीं होती, इसलिए यहाँ पे भी टी कंसिडर किया है और यहाँ पे भी टी कंसिडर किया है। क्लियर? एक रिंग में टेंशन कभी चेंज नहीं होती, तो उसे हर जगह टी ही कंसिडर कर रखा है। अब गौर से देखना, ध्यान समझो। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, यहां पे मैंने एक वर्टिकल लाइन बना ली और यहां पे भी मैंने एक वर्टिकल लाइन बना ली और ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैंने ड्रॉ कर ली, ताकि आपको मैं एंगल्स के बारे में समझा सकूं। मुझे बताओ ये डी थीटा है तो क्या ये एंगल भी डी थीटा होगा, यस और नो? क्या ये एंगल डी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल? अच्छा मुझे तो सेंटर से और ये जो जिस पॉइंट पे टेंशन लग रही है, सेंटर से इस टेंशन वाले पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या ये रेडियस आर है? तो ये जो रेडियस आर और ये जो टेंशन है, क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है? रेडियस आर और टेंशन, क्योंकि वो टेंजेंशियल थी टेंशन, तो ये जो एंगल होगा टेंशन का वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल होगा, क्या ये 90 माइनस थीटा होगा, यस और नो? देख लो ये डी थीटा है तो इसे 90 माइनस डी थीटा बोलेगा ना, तो क्या टेंशन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल डी थीटा बोला जाएगा बच्चों? टेंशन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या डी थीटा बोला जाएगा? ऐसे ही सेम यहां पे देखो, ये डी थीटा एंगल है तो ये टेंशन का डी थीटा एंगल हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ, यस और नो? तो अगर मैं टेंशन के कॉम्पोनेंट करता हूं तो राइट डायरेक्शन में एक फोर्स आया टी कॉस डी थीटा और डाउनवर्ड आया टी साइन डी थीटा। ऐसे ही यहां पे लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स आया टी कॉस डी थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आया टी साइन डी थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो एलिमेंट पे टेंशन फोर्स के कॉम्पोनेंट कर दिया, एलिमेंट पे जो टेंशन फोर्स लग रहा था उसके तो कंपोनेंट कर दिए, यस और नो? हाँ या ना? सबको समझ में आ गई ये बात? अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों, ध्यान से देखना। अच्छा इस एलिमेंट में करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में ऐसे क्लॉकवाइज, तो इस पे क्या एक मैग्नेटिक फोर्स ऐसे अपवर्ड लग रहा होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स एलिमेंट पे, और इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू रहेगी आई इंटू एल नेट इंटू बी, यस और नो? एल नेट इंटू बी। एल नेट क्या है? पहले वाले एंड से दूसरे वाले एंड तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? अच्छा अब मुझे बताओ क्या इस एल नेट की वैल्यू, ध्यान से देखना, क्या इस एल नेट की वैल्यू 2r साइन डी थीटा है बच्चों? 2r साइन डी थीटा, यस और नो? देख इस एल नेट की, देखो ध्यान से देखो, ये r था, ये सेंटर से ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस r थी, इसका एक कंपोनेंट करो ये वाला, देखो यहां से यहां तक का एक कंपोनेंट लो, क्या ये r साइन डी थीटा होगा, ये कंपोनेंट r साइन डी थीटा, यस और नो? ऐसे ही इधर से r का एक कंपोनेंट लोगे तो ये भी r साइन डी थीटा होगा, तो क्या टोटल l नेट की वैल्यू 2r साइन डी थीटा हो जाएगी, 2r साइन डी थीटा हो जाएगी, हाँ या ना? मैं जवाब दो 2r साइन डी थीटा l नेट की वैल्यू। अब मुझे बताओ देखो, क्या हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं? इस रिंग पे नेट फोर्स जीरो, तो इस एलिमेंट पे भी तो नेट फोर्स जीरो, तो देखो हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, और ये एलिमेंट ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो क्या वर्टिकल वाले फोर्स भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे? तो देखो वर्टिकल वाले फोर्स कितने हैं, 2t sin d थीटा इज इक्वल टू fm, यस और नो?
तो देखो टू टी साइन डी थीटा, साइन डी थीटा, तो इसकी वैल्यू एफ एम की वैल्यू कितनी है आई, एल नेट है हमारे पास टू आर साइन डी थीटा, ठीक है, इन टू बी, यही है। देखो साइन डी थीटा से साइन डी थीटा कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो देखो टी की वैल्यू कितनी निकल के आई, क्या टी की वैल्यू आई इंटू आर इंटू बी निकल के आई है बच्चों, टेंशन की वैल्यू निकल के आई है आई इंटू आर इंटू बी, क्या ये सबको समझ में आ गई। तो अगर एक रिंग को, अगर एक रिंग को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टेंशन होती है आई इंटू रेडियस ऑफ द रिंग इंटू मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, बहुत अच्छे। आई थिंक सबको ये समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो मुझे बताओ बच्चों, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग, ये जो करंट कैरिंग वायर को अभी तक हमने, करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला फोर्स पढ़ा था हमने, तो अभी यस और नो, टॉपिक क्या चल रहा था, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, यस और नो, टॉपिक क्या चल रहा था, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अच्छा, तो ये जो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर है, तो इसमें जो करंट कैरिंग वायर थी, क्या इसे अभी तक हम लोगों ने कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, क्या इसे अभी तक हमने कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? हाँ, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उनमें हमने करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर को एक कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि करंट कैरिंग वायर को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए? क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि करंट कैरिंग वायर को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए? ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उसमें हम लोग करंट कैरिंग वायर को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो मैं टॉपिक लिख दूं, करंट कैरिंग वायर इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैं टॉपिक लिख देता हूं, करंट कैरिंग वायर इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट कैरिंग वायर इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो अब हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को बनाए। पहले तो क्या, सबसे पहले हमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी पड़ेगी, पहले तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो लाओ, हाँ या ना, पहले तो हमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेके आनी है, कहीं से भी किसी भी तरीके से क्रिएट करें, पर क्रिएट क्या करनी है सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म, और जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ जाए तो उसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देना है, यस और नो, यही चाहता है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक यही तो चाहता है, सबसे पहले तो एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाओ और उसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दो। हमने बोला ठीक है सर, कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो सबसे पहले मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, कैसे जनरेट की, मैंने एक इनफाइनाइट वायर लाया, क्या लाया बच्चों, एक इनफाइनाइट वायर, ये ऊपर भी इनफाइनाइट तक जा रही है और नीचे भी इनफाइनाइट तक जा रही है, और इसमें एक करंट फ्लो हो रही है बच्चों आई वन, ठीक है, एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई वन, लिख देता हूं इनफाइनाइट वायर, अच्छा मुझे बताओ ये इनफाइनाइट वायर अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो क्या ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, यस और नो, क्या ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा? हाँ, तो मुझे बताओ इस वायर के राइट साइड, इस वायर के राइट साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बताओ किधर है, राइट साइड, इस वायर से राइट साइड जितने भी पॉइंट्स आपको दिखा दे रहे हैं, ये जो स्पेस आपको दिखा, इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन, यस और नो, पाम रूल से सब लोग देख पा रहे हो, इनटू द प्लेन, और लेफ्ट साइड डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, क्या ये बात सबको समझ में आ गई?
अच्छा मुझे तो इनफाइनाइट वायर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, क्या वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है? एक पॉइंट डी डिस्टेंस पे है, दूसरा पॉइंट 2D डिस्टेंस पे, तीसरा पॉइंट 4D डिस्टेंस पे, क्या हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा? यस और नो? सर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, हो सकता है, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसने एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रखी है? क्या इस वायर ने एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रखी है? तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो गई, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो गई। अब हमें क्या देखना है, अब इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर प्लेस करनी है। तो हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर ली, देखो इसको प्लेस कर रहे हैं, यहां पे एक करंट कैरिंग वायर है, इसको ऐसे प्लेस किया, इसकी लेंथ है बच्चों एल, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई टू अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और ये जो वायर है ये यहां से डी डिस्टेंस पे रखी गई है, डी डिस्टेंस पे रखी गई है, सबको समझ में आ गया? तो क्या यहाँ पे हमने इस करंट कैरिंग वायर को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है? अब कैसे किया है वो अलग बात है, पर क्या एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है? यस और नो? कैसे भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी, हमने ऐसे रखी है, अभी वर्टिकल रखी है वायर। अच्छा अब अगर आपसे पूछा जाए फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू दी वायर वन, फोर्स ऑन वायर टू, ध्यान सुनना, फोर्स ऑन वायर वन, सॉरी फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू दी वन, ड्यू टू दी वन, क्या ऐसा पूछ सकते हैं बच्चों? यस और नो? फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू दी वन, यस और नो? क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अभी तुमसे फाइंड करने के लिए नहीं बोला है मैंने, पहले समझ लो क्या है। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर आपको फोर्स पूछा गया है वायर पे, वायर में करंट फ्लो हो रही थी, तो जब भी कोई वायर में करंट फ्लो होती है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तक तो क्या मैग्नेटिक फोर्स को ऐसे लिखते हैं बच्चों, आई एल क्रॉस बी, यस और नो? यस और नो? आई एल क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं ना फोर्स वेक्टर को, हाँ या ना? अब मुझे बताओ बच्चों, मुझे तो यहां पे जो आई आप लोग लिखना चाह रहे हो, ये आई कौन सी वायर की करंट लोगे, कौन सी वायर की करंट लिखनी है, ये वायर टू या वायर वन? हाँ, जिस वायर पे फोर्स लग रहा है उस वायर की करंट को क्या यहां लिखा जाएगा, आई, यस और नो? तो ये लिखा जाएगा आई टू, क्लियर? अच्छा ये लेंथ कौन सी वायर की लिखोगे, लेंथ कौन सी वायर की लिखोगे, वायर वन या वायर टू? वायर टू, जिस पे फोर्स लग रहा है। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड किसका लिखोगे, हाँ वायर वन की वजह से जो मैग्नेटिक, हाँ इसको लिखोगे ड्यू टू दी वन, यस और नो? क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ड्यू टू दी वन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है वो अलग बात, अभी हमने कुछ नहीं देखा, पर लिखना तो कुछ इसी तरीके से पड़ेगा ना हमें, आया ना हमें जवाब दो, आई एल क्रॉस बी में आई होगा जिस वायर पे फोर्स लग रहा है, एल जिस वायर पे फोर्स लग रहा है उसकी लेंथ, और बी जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, या वायर टू जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है वो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से क्रिएट हुआ है उसका मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर है? अब हमने देखा कि ये जो सेकंड वाली वायर है, क्या इस वायर के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड वन ने क्रिएट किया, क्या ये वेरिएबल है या नहीं है? सबसे पहले यही सोचना, ये जो वायर टू पे हमसे फोर्स पूछा गया है, तो पहले ये तो देखें कि वायर टू जहां रखी गई है क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है भी या नहीं,
तो हमने तो ये देखा कि सर राइट साइड रखी गई, तो राइट साइड इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये बात समझ में आ रही है? इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, ये बात सबको समझ में आ रही है? बी वन इनटू द प्लेन, तो डायरेक्शन तो इनटू द प्लेन है, तो डायरेक्शन तो फिक्स है। क्या इस सेकेंड वाली वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कॉन्स्टेंट है? हाँ, अब मुझे बताओ ये जो सेकेंड वाली वायर है, क्या इसका हर एलिमेंट ये वायर वन से डी डिस्टेंस पे ही रखा गया है? हर एलिमेंट की डिस्टेंस इक्वल है, तो मुझे बताओ हर एलिमेंट पे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी वायर वन सेम रहने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी वायर वन ऑन ईच एलिमेंट क्या सेम रहने वाला है? यस और नो? सोचो, बी वन क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी होता है ना, वो डी क्या हर वायर हर एलिमेंट के लिए सेम है? यस और नो? तो यार ये क्वेश्चन तो सिंपल हो गया। इस क्वेश्चन में पूरी वायर के लिए, जिस वायर पे हमें फोर्स फाइंड करना था, उस पूरी वायर पे क्या हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहा है विद डायरेक्शन एंड विद मैग्नीट्यूड? यस और नो? जिस वायर पे हमें फोर्स फाइंड करना है, उस पूरी वायर पे हर जगह मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए? देखो एफएम का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या उसे मैं आई टू इंटू एल इंटू बी वन लिख सकता हूँ? देखो एल और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन थीटा तो हो गया वन। अच्छा, तो इसको लिख दूंगा आई टू इंटू एल, और बी वन की वैल्यू क्या म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी हो जाएगी? बच्चों वायर वन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या वो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी हर एलिमेंट पे यही होगा या नहीं होगा? अच्छा, इस मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, क्या इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है? गौर से देखो, एल क्रॉस बी करो, एल क्रॉस बी वन करो, क्या सबको समझ में आ गई लेफ्ट डायरेक्शन? वेरी गुड, तो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म थी, पर हमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से लेना देना है या जिस वायर पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं उस वायर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है इससे लेना देना है? क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? जिस वायर पे हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं उस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, इस बात से आपका लेना देना होगा। स्पेस में क्या है उससे लेना देना नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? जो वायर हमने प्लेस की है वो वायर के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, इस बात से हमारा लेना देना है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्वेश्चन में इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जिस वायर पे हमें फोर्स फाइंड करना है उस वायर के हर एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है या नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर? चलो, तो एक और क्लास फिजिक्स की है, वो भी मैं ही लेने वाला हूं, ठीक है? आज तो उस क्लास में इस टॉपिक से आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।